नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा घणी। दोस्तों, सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम में आज हम मिलेंगे डॉक्टर समीर कुमार व्यास से और जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े तमाम अनुभवों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनके अब तक के इस खूबसूरत सफर पर एक नज़र डालते हैं। आपको बता दें, डॉक्टर समीर कुमार का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। कुछ समय बाद ये अपने पैतृक गांव बांसवाड़ा के निकट सरेड़ी बड़ी लौट आए। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े डॉक्टर समीर ने प्रारंभिक शिक्षा बांसवाड़ा के निकट घाटोल कस्बे से पूरी की और फिर छठी से बारहवीं तक की पढ़ाई इन्होंने अपने गांव सरेड़ी बड़ी से ही पूरी की। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद बांसवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने लगभग 5 वर्षों तक एक प्राइवेट स्कूल में अपनी सेवाएं दी। जी हाँ दोस्तों, फिर इन्होंने विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। वर्तमान में ये इतिहास विभाग के व्याख्याता के रूप में काम कर रहे हैं। ये वर्ष 2013 से इसी संस्थान में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। दोस्तों, ये छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ उनको उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। ऐसे कई प्रभुत्वशाली विद्यार्थी जो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण फीस देने में असमर्थ होते हैं, ये उन छात्रों की हर संभव मदद के प्रयास करते हैं। इसके अलावा ये लेखन का भी शौक रखते हैं। दोस्तों, जी हाँ, ये अब तक 15 किताबें लिख चुके हैं और इसे ये एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। दोस्तों, इनके जीवन से जुड़े ऐसे ही किस्सों और अनुभवों के बारे में जानने के लिए अब आइए हम सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी ये प्रेरक कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबान। मेरा नाम डॉक्टर समीर कुमार व्यास है और मैं विद्या भवन में 1 जुलाई 2013 से कार्यरत हूँ और मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पर लेक्चरर व्याख्याता इतिहास विभाग में हूँ। विद्यार्थियों के साथ मेरा जो संपर्क है वो कुछ इस तरह से है कि मैं विषय के साथ तो जुड़ा हुआ हूँ ही, लेकिन इसके साथ साथ जब उनकी कोई व्यक्तिगत समस्याएँ होती हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं होते हैं, फीस नहीं भर पाते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत स्तर से उनको मदद करते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है, जो बहुत ही भौतिक स्तर पर जो बहुत ही प्रभुत्वशाली विद्यार्थी होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं जिसे अपन कहते हैं, लेकिन वो किसी कमी कारण पीछे रह जाते हैं, चीज़ों का अभाव होता है, तो हम उनको व्यक्तिगत सजेशन देते हैं, राय देते हैं, कोई पुस्तक है तो उन्हें पुस्तक, अपनी निजी पुस्तकें भी देते हैं। ऐसा करके हम विद्यार्थियों के साथ रूबरू होते हैं और उनके आम जीवन में अपने विचार साझा करते हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा जन्म 23 फरवरी 1982 को महाराष्ट्र के मुंबई में अंधेरी ईस्ट में हुआ और चूँकि मेरे जो नाना हैं वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो कुछ समय तक तो मैं वहीं रहा। उसके बाद आफ्टर जो मेरा गांव है, गांव सरेड़ी बड़ी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा के अंदर, तो आफ्टर बर्थ के बाद फिर जब हम यहाँ आए तो पिताजी भी सर्विस में थे, पिताजी क्लर्क थे मेडिकल विभाग में और मेरी जो माताश्री हैं वो महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइज़र थे। तो एक्चुअली मेरा जो पूरा बचपन है वो मूलतः एक ट्राइबल एरिया के अंदर ही ज़्यादा बीता है और मोस्टली जब मैं यह कह सकता हूँ कि जब मैं बाल्यावस्था में था तो मेरा इन लोगों से बहुत ज़्यादा संपर्क रहा, बहुत ऐसे घने जंगलों में रहना, और चूँकि पिताजी की और माताजी की सर्विस भी ऐसे एरिया में थी। लेकिन मैं जब अपने मूलतः अपने गाँव में लौटा तो मेरा एजुकेशन फिर वहाँ से पहली से पाँचवीं क्लास को घाटोल करके एक गाँव है जब वहाँ पर हुआ और 6 to 12 तक फिर मैं अपने मूलतः जो गांव है सरेड़ी बड़ी वहां पर मेरा शिक्षा पूरी वहां पर हुई 12वीं क्लास तक और फिर वहां उसके बाद बांसवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में ही मेरा यूजी स्नातक वहां से हुआ। इसी दरमियान चूंकि मैं गांव से बहुत कनेक्ट नहीं था क्योंकि माता पिताजी की सर्विस बाहर थी, तो जब मैं वहाँ अपने गाँव पहुँचा तो वहाँ मेरे कुछ साथियों से भी संपर्क हुआ। जहाँ तक खेल की बात आपने मुझसे पूछी थी, तो खेल के रूप में मैंने क्रिकेट बहुत अधिक खेला। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज अगर मैं और ये कह सकते हैं क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पर आपका लक होना बहुत ज़रूरी है, तो उस खेल को मैंने बहुत गंभीरता से खेला था। आफ्टर 25 तक मैं कह सकता हूँ 25 वर्ष तक उसको मैं खेला और आज मैं हो सकता है शायद रणजी या भारतीय टीम में भी हो सकता था, लेकिन मेरा किस्मत ख़राब था मैं ये कह सकता हूँ, और इस रीजन से फिर जीवन में बहुत से परिवर्तन आए।
12th क्लास के दरमियान हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे फिजिकल टीचर्स थे जिन्होंने हमको खेल के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि पढ़ने के साथ साथ खेल बहुत ज़रूरी है जो फिजिकल फिटनेस के लिए और आगे भी काम आता है। तो इस हिसाब से मैंने हॉकी गेम को भी आगे रखा और वहाँ मैं स्टेट लेवल तक गंगानगर में जब हम 12वीं क्लास में थे 1999 की बात कर रहा हूँ मैं, तब गंगानगर में हम स्टेट लेवल पर राज्य स्तर पर खेलने गए थे। उसके बाद फिर जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। स्वाभाविक है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ों पर उतार चढ़ाव आपके साथ आते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से परिवर्तन आए जब व्यक्ति उस स्थिति में आ जाता है जब उसको कर्म करना होता है, परिवार की जिम्मेदारियाँ देखनी होती हैं, तो निश्चित रूप से फिर वो सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश करता है। तो इस दरमियान 25 वर्ष की उम्र के बाद मेरा विवाह भी हुआ और उस दरमियान जब एक गृहस्थ जीवन शुरू होता है तो उसके पश्चात व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो अब उस चीज़ के लिए मुझे अर्न करने के लिए मूलतः मैं अपने गांव के आसपास में एक निजी महाविद्यालय थे वहां पर मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा था। लेकिन यह भी एक बड़ा सौभाग्य है कि जब आप अपने जीवन गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन जिससे आप विवाह करते हैं उनके साथ से जुड़ा हुआ होता है। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरी धर्मपत्नी के साथ जो जुड़ना और उनके साथ जुड़ने से एक जीवन में एक परिवर्तन आया कि आकस्मिक उनके द्वारा ये बताया गया कि भाई एक वैकेंसी निकली है विद्या भवन के अंदर तो आप उसको भरें एक बार। और चूंकि मैं सीरियसली कहूँ कि मैं वहाँ अपनी जगह पर खुश था क्योंकि परिवार घर सब नज़दीक था और फिर उनको छोड़कर यहाँ आना ये इतना सरलतम काम नहीं था, लेकिन चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी थी इसलिए ऐसी स्थिति में मुझे वो छोड़ना भी जरूरी था। तो मैंने इन चीज़ को ध्यान रखते हुए इस फॉर्म को भरा मैंने और फिलअप करते हुए मेरा इंटरव्यू भी हुआ। अब इंटरव्यू की एक बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि जब मैं इंटरव्यू देने आया तो उस समय पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का इंटरव्यू चल रहा था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आप भी जानते हैं जब कोई वैकेंसी निकलती है तो उस दरमियान काफ़ी लोग उस फॉर्म को भरते हैं। तो मैं तो इससे अनजान ही था क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेखबर था, मुझे तो गाँव में रहना है और वहीं पढ़ाना है। लेकिन हाँ, जब मैंने फॉर्म भरा उसके बाद जब इंटरव्यू उसके बीच का जो समय था तो मेरे गाँव के लोगों से जब मैंने चर्चा की कि भाई मेरे जो आर्मी फोर्स में मेरे दादा हैं वो भी टीचर थे, तो उन्होंने बताया कि विद्या भवन जैसी संस्थान ऐसी जहाँ से ऑलमोस्ट लोग वहीं से पढ़ के निकले हैं, आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और बड़े अच्छे विद्वान बने हुए हैं। तो मेरे को यहाँ का बैक हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता था। तो लेकिन फिर भी ये था कि हर व्यक्ति सोचता है कि जब पैसे की बात आती है, घर परिवार की बात आती है, जिम्मेदारी आती है, वो सोचता है कि नज़दीक रहकर इसको निभाए। लेकिन फिर भी मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया और यहाँ पर इंटरव्यू देते हुए आगे बढ़ा। और इंटरव्यू के दरमियान भी जब बड़ा ये चीज़ हुई कि भाई मेरे को अकेले ही इंटरव्यू देना पड़ा, मेरे सामने काफ़ी 10-15 लोग बैठे थे और वो पॉलिटिकल साइंस के थे, मैं हिस्ट्री का था, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे अकेले को ही क्यों बुलाया गया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक परिवर्तन है और शायद मेरा यहाँ आना लिखा है अपनी सब रूप में, तो मैं यहाँ आ चुका था। अब ये सब चीज़ें तो खैर ठीक है, समय परिस्थिति के साथ होती रही, आगे बढ़ते रहे। लेकिन हाँ, मैं ये भी क्रेडिट दूंगा विद्या भवन को कि यहाँ आने के बाद मेरे जीवन में बहुत लॉट ऑफ चेंजेस आए और उस चेंजेस को मैं वहाँ रहकर शायद नहीं कर पाता, ऐसा मुझे फील हो रहा है और आगे भी होगा ऐसा मुझे लग रहा है। और उसके कुछ परिणाम और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मैं आपके साथ साझा करूँगा कि एक तो ये कि यहाँ आने के बाद चूँकि मैं और मेरी पत्नी और मेरी छोटी बच्ची थी 5 साल की, तो हम लोग यहाँ जब आए 1 जुलाई 2013 को, मुझे यहीं कॉलेज के पीछे जो आवास बने हुए हैं, स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए हैं, एक क्वार्टर मुझे भी अलॉट कर दिया गया था। तो उस दरमियान क्या है कि धर्मपत्नी की तैयारी कर रहे थे कंपटीशन एग्ज़ाम की, काफ़ी लंबे से तैयारी कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जहाँ कोई चीज़ जहाँ लिखी है वहीं होना है और वो एक तरह का एक आयाम पहले से स्थापित हो जाता है आपके साथ। तो वो यहाँ लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, करते करते और उनकी जॉब लग गई, उनकी जॉब भी लग गई, तो एक नया अचीवमेंट भी मैं कह सकता हूँ मेरे साथ कि भाई यहाँ आने के बाद ये चीज़ मुझे लाभ मिली। दूसरा, मेरे करियर में एक बड़ा परिवर्तन ये आया कि अब तक मैं कुछ चीज़ों से बिल्कुल कोसों दूर था। मेरे एकेडमिक लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो उनमें जैसे किताबें लिखना, तो एक शिक्षक जो होता है वो अपने जीवन में ये काम कर सकता है कि वो बच्चों को अच्छा पढ़ाने के साथ साथ वे खुद भी कुछ अच्छी चीज़ें लिखें जो समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर सके। तो ऐसी स्थिति में मैंने यहाँ आकर एक नया काम शुरू किया कि पुस्तकें लिखना। तो पुस्तकें लिखने के क्षेत्र में, किताब लिखने के क्षेत्र में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और अब तक जो मैं ये कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ कि मैंने अब तक 15 पुस्तकें यहाँ से लिख ली हैं, यहाँ विद्या भवन रहते रहते अपने ही विषय की। तो ये बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए, विद्या भवन को मैं क्रेडिट देता हूँ पूरा कि यहाँ मैं पहुँचा तभी ये लिख पाया, अदरवाइज मैं शायद वहाँ रहकर नहीं कर पाता। ये एक बड़ा अचीवमेंट मेरे इनके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, मेरी पत्नी की जॉब भी यहीं लगी है, शायद यहाँ आने से बहुत सारे स्कोप तैयार हुए
और तीसरा एक संतान और यहाँ हुई जो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब पारिवारिक जीवन में है तो स्वाभाविक ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये बहुत से अचीवमेंट मैं विद्या भवन को देना चाहूँगा खैर, और ये मेरी बहुत बड़ी मेमोरी भी इससे जुड़ी हुई। रोल मॉडल एक्चुअली बेसिकली जो आपको आपकी दुनिया में अभी लाए हैं, आपके माता पिता सबसे पहले रोल मॉडल तो मैं उन्हीं को मानूंगा। अगर हम यहाँ होते ही नहीं तो शायद हम ये बात कर भी नहीं पाते। लेकिन चूंकि जन्म लेने के बाद बहुत सी बड़ी दुनिया आपको देखनी होती है, जहाँ आपको बहुत कुछ करना होता है समाज के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ, अपने पारिवारिक जीवन के साथ, तो इन चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए कोई कोई आपको एक सहारा चाहिए जिन्हें देखकर आप जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे ही कुछ परिवर्तन मैं अपने जीवन में मानता हूँ मूलतः, अब तक जहाँ मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मैं अपने रोल मॉडल को माननीय आदरणीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं इनको रोल मॉडल मानता हूँ। और उसके पीछे एक रीज़न इसलिए भी ऐसा क्यों है कि इतने एज में 74 एज उनका हो गया है आई थिंक, तो इतने एज में भी वो इतना ज़्यादा समय तक काम करते हैं, 18 घंटे 20 घंटे तक वो काम करते हैं देश के लिए। तो आज हमारी जो उम्र है, मेरी उम्र अगर 40 साल है, तो मैं मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो मैं उनको जब इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने जीवन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इन चीज़ों को देख देख कर मैं प्रभावित होता हूँ, और फिर हमें ऐसा लगता है कि चूंकि हम शिक्षक हैं तो हमारी तो बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करें, आज के युवाओं को देश के विकास में जोड़ने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट हम जो देश के लिए पूरा कर सकते हैं। तो मैं इनको रोल मॉडल के रूप में देख कर हमेशा ये प्रयत्न करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ करूँ, मैं खाली नहीं बैठूँ, जो समय मेरे पास है उसको मैं ऐसी चीज़ में लगाऊं जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ लाभ मिल सके। कोरोना काल का समय तो खैर हर व्यक्ति के लिए ठीक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसने सामाजिक जीवन को, परिवार को और सारी व्यवस्थाओं को उलट पुलट कर दिया है। विशेष रूप से अगर मैं अपने स्तर की बात करूँ, मेरे बारे में कहूँ, तो चूँकि जो सेकेंड फेज जो आई थी उसमें मैं खुद भी इससे प्रभावित हुआ, मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों इससे पीड़ित रहे। लेकिन एक दूसरे की कोऑपरेशन के माध्यम से, लोगों की दुआओं के माध्यम से, दवाइयाँ, ये जो भी हम कह सकते हैं, सारी जो प्रिकॉशंस हमने इस्तेमाल किए और हम उस सही स्थिति में आ पहुँचे। और चूंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना के पीरियड में सारी व्यवस्थाएं भी चरमरा गई थी, ये भी कोई सबसे छिपा हुआ नहीं है, जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वे भी चरमरा गए थे अपनी अर्थव्यवस्था को लेते हुए। तो निश्चित रूप से जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उस जगह पर ऐसी परिस्थिति में मैं शुक्रिया देना चाहूँगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय सर को, अजय मेहता सर को, कि जब हमने सुना कि इस व्यवस्था के अंदर आप बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस में बात कर रहा हूँ, वहाँ ये पूर्ण रूप से बंद हो चुकी थी, तो उनके पास पैसा नहीं था, वो चला नहीं पा रहे थे, उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। लेकिन हमारे यहाँ अध्यक्ष मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी भी कर्मचारियों को जो है यहाँ से बाहर नहीं निकाला, उनको एज इट इज स्थिति में रहने दिया। तो ये जो मेंटली सेटिस्फेक्शन है इस समय बहुत ज़रूरी था, कि कुछ लोग तो साइकोलॉजिकल रूप से ही परेशान हो चुके थे कि उनका क्या होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। कम से कम ये स्थिति हमारे यहाँ विद्या भवन के अंदर नहीं हुई, और हम उनको थैंक्स देना चाहेंगे सर को कि हाँ, इस समस्या के इस पीरियड में हमको उन्होंने बाहर निकाला हमें, और हमें इस पोजीशन में नहीं आने दिया। तो ये पूरा धन्यवाद मैं सर को देना चाहूँगा, क्योंकि ये इतना सरल समय नहीं था। हम सब जानते हैं कोरोना किस तरह से गुजरा और क्या स्थिति हुई, हमने अखबारों में पढ़ा, हमने यूट्यूब पर देखा, बहुत सी सूचनाएँ हमने पढ़ी, तो ये फील होता है कि लोग कहाँ से कहाँ कैसे भटके, क्या हुआ। पर ये धन्यवाद भगवान को और सर को भी कि हमारे साथ इस तरह की त्रासदा नहीं हुई, और हमें उसी स्थान पर रहकर हमें अपना जीवन यापन करने मिला। अगर हम समय से पीछे जाते, क्योंकि हर व्यक्ति जब जिस इसमें आगे जाता है तो ये सोचता है कि अब उसका अंत निश्चित है, क्योंकि जब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो उतनी तेजी से आगे जा रहे हैं जहाँ विनाश का समय भी है। लेकिन हर कोई चाहता है कि वो पीछे जाना चाहे तो अपने जीवन के उन पुरानी यादों में ही जाना चाहेगा, स्वाभाविक है। और अगर आप मुझसे अपनी बात पूछना चाह रहे हैं तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मैं अपने जीवन के उन दिनों को जरूर याद करूँगा जहाँ मैं बहुत अधिक मात्रा में क्रिकेट खेलता था अपने दोस्तों के साथ में, परिवार को छोड़कर, और सुबह निकलते तो रात को लेट आते। मैं शायद उन दिन में जाना जरूर चाहूँगा, अगर ऐसा, हालांकि ऐसा संभव नहीं है अब, लेकिन एक सपना, एक ऐसा सोचें तो निश्चित रूप से मैं उन दिनों में जाना बेहतर समझूंगा, कि क्योंकि जीवन की वो यादें अब हमसे ख़त्म हो गई, हमारा बचपन निकलता जा रहा है। ऐसे जो लोग हैं जो अभी उस बचपन की उस व्यवस्था में जिए ही नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह से तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो बचपन नाम की चीज़ ही समाप्त हो गई है। तो कम से कम जो यादें बची हैं उन यादों को अगर हम बैक पीरियड में जाकर
थोड़ा अमेज करें और सोचें तो ऐसा लगता है कि शायद अगर हम भी छोटे बच्चे होते तो क्या क्या करते। तो स्वाभाविक है कि मैं भी यही चाहता कि मैं जीवन में जो मैंने देखा है, सोचा है, परखा है, जाना है और जिन चीज़ों से मैंने एक दूसरे को एनालाइज किया है, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो खास खेल था क्रिकेट, मैं उसको जरूर जाना चाहूँगा अगर ऐसा भगवान कहीं हालांकि यह संभव नहीं है, लेकिन चूंकि इन चीज़ों को याद करके ही ऐसा अनुभव किया जा सकता है कि आप उस समय क्या कर सकते थे और क्या होता था और अब आप कहाँ हैं और अब क्या कर रहे हैं। और खैर, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति ये यही सोचेगा कि वो पुरानी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट हों। हालांकि हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है, कोरोना के इस पीरियड में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने वो सारे काम किए हैं जो हम कभी नहीं कर पा रहे थे, शायद मिस कर गए या शायद करना चाह रहे थे, किसी मजबूरी में नहीं कर पाए, लेकिन कोरोना के इस पीरियड ने हमको वो सब काम करने का मौका दिया। परिवार के साथ बैठकर हमने खाना बनाया, खेला, वो सारे परंपरागत खेल खेले जो हम भूल चुके थे। तो कह सकते हैं कई बार महामारी और त्रासदा आपको एक साथ जोड़ने का काम भी करती है, विनाश तो लाती है पर जोड़ने का काम भी करती है। ये साइकोलॉजिक तरह से सोचने का विषय है। लेकिन जबकि आप कह रहे हैं कि टाइमिंग के रूप में अगर आप कह रहे हैं, तो अगर आप पुराने समय में जाना चाहेंगे तो मैं बचपन का वही खेल खेलना चाहूँगा जो मैं अब भूल चुका हूँ, शायद अब समय के साथ पारिवारिक जुड़ने के साथ शायद वो कम हो चुका है, तो मैं उसमें जरूर जाना चाहूँगा। देखिए, व्यस्तम समय में अपना जो निजी समय है वो निश्चित रूप से मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ क्वार्टर पर रहता हूँ वहाँ मैंने काफ़ी पौधे लगाए हैं और मैं समय समय पर उन्हें पानी देना और उनको सजीव रखना ये काम तो करता ही। फिर बचा हुआ जो समय है मैं परिवार को देता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बालक है, अभी 2 साल का है, तो मुझे मोस्टली टाइम उसी को देना होता है। और जब समय मिलता है तो परिवार के साथ कभी फतेह सागर की ओर निकल जाते हैं, कभी एक वीकेंड के टाइम में आप किसी होटल में खाने के लिए चले जाते हैं, ऐसा करके। और क्रिकेट तो खैर मैं खेलता ही हूँ कभी, अब चूँकि बच्चे हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ रही बात अच्छी पुस्तकों की, कहीं ये तो छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि जब आप टीचर हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको अपडेशन में रहना चाहिए, आपके पास नई नई चीज़ें आती रहनी चाहिए, तो आप जब चीज़ों को पढ़ोगे तो ये आप बच्चों को बता पाएंगे। तो मैं इन सब चीज़ों के बाद जो समय बचता है उसमें पुस्तकों को भी समय दे पाता हूँ निश्चित रूप से, और नई नई चीज़ें पढ़कर हम विद्यार्थियों को नई चीज़ों से अवगत भी कराते हैं। हर व्यक्ति के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, निश्चित रूप से वही उसी के स्तर पर आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को वो आगे लेकर चलकर कुछ अपने मूल मुकाम तक पहुंचते हैं। लेकिन मेरा एक प्रिंसिपल ये है कि आप जो भी काम करते हैं वो बड़ी शिद्दत से काम करें। निश्चित रूप से चूंकि मैंने आपने जो रोल मॉडल की बात कही थी उसी को मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगा कि मैंने अपने प्रिंसिपल में ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाया था कि जो अपने मूल उद्देश्यों से भटकते नहीं, जिसके लिए हम बने हैं वो पूरा समय हम उनको दें, और उन मूल समय के साथ साथ निश्चित रूप से भाई आप बने टीचर हैं, आपकी ड्यूटी क्या है वो हम जरूर करते रहे, लेकिन इसके साथ होनेस्टी, लोगों को सहयोग करना, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको समय समय पर नई नई बातें बताना और अपने विचार साझा करना जहां पढ़ते रहे, और अच्छी अच्छी बातें पढ़कर लोगों को बताना, देश दुनिया की चीज़ों के बारे में अवगत कराना। मेरा मानना है कि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बच्चों के साथ, और मेरा ये विशेष लगाव बच्चों से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा है जो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ हम पुरानी बातों को साझा करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा उस रूप में मानता हूँ कि जो मेरे सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो एक तो लगातार काम करते रहना, आप ये ना देखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो काम दे रखा है वो एक ऐसा काम है जो छोटा नहीं है, आप देश समाज के लिए जुड़े हुए हैं, तो आपको परिवर्तन लाने का काम है, युवाओं को जोड़ने का काम है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमें काम करते रहना चाहिए, और यह भी ध्यान रखे रहना चाहिए कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितने परिवर्तन आ सकते हैं और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम काम करते हैं जी। मुझे लगता है कि आज का युवा, क्योंकि भारत जैसे देश में सर्वाधिक युवा हैं, और चूंकि इन सर्वाधिक युवाओं से देश में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन युवाओं की जब दिशाएँ भटक रही हैं उसका एक ही कारण है कि वो अपने उद्देश्य से इसलिए भटक रहे हैं कि बड़ी शिद्दत से वो तैयारी नहीं कर। एक उनको कोई ना कोई अपना रोल मॉडल उन्हें बनाना पड़ेगा, एक कंटिन्यूशन में सिटिंग रखनी पड़ेगी, और एक टारगेट उनको बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे करना क्या है। अगर आप अपने टारगेट नहीं बनाएंगे तो आप चलेंगे कैसे। तो जिस तरह से अर्जुन को जो आंख दिख रही थी उस तरह से हमें कुछ ऐसा करें कि भाई हमें हमारा शिकार ये है और ये चीज़ हमें प्राप्त करनी है, उसके अलावा और हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक ही चीज़ के पीछे अगर आप लगे रहेंगे तो वो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, और सफलता में निश्चित रूप से आपको सेटिंग भी चाहिए, अच्छा परिश्रम चाहिए,
अच्छे लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि युवा जो है वो मूलतः आजकल जो टेक्नोलॉजी इस तरह से आ गई है, यूट्यूब आ गया है, ये सारी चीजें जो व्हाट्सअप और चीजें आ गई, हो सकता है ये जो सोशल मीडिया एक तरह से लाभदायक भी है, लेकिन अब आप उसमें क्या चीज देख रहे हैं, क्या आपके लिए यूजफुल है अनयूजफुल है, ये डिसाइडेड तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को एक, अब कल ही हमने शहीद दिवस मनाया 23 मार्च को, तो आप कह सकते हैं कि 23 वर्ष का इस युवा भगत सिंह अगर आप हंसते हंसते देश की कुर्बानी पर चढ़ गया, तो ये युवाओं को कितना सीधा संदेश है कि जब आपको बिना त्याग के कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन उनका वो किया गया त्याग आज हमारे युवाओं के लिए कितना प्रेरणादायक है। अगर हम उसे कुछ सीख लेते हैं तो हम अपने भविष्य को संजार सकते हैं, संवार सकते हैं और देश और समाज के विकास में लगा सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमें एक दिशा और एक लक्ष्य तक ही चलते रहना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ सेक्रीफाइस भी हमें करने पड़ेंगे। वो त्याग क्या हो सकते हैं ये हमें डिसाइड करने होंगे, तभी हम अपने उद्देश्य तक पहुँच सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा तो मैं गीता को बहुत अधिक मानता हूँ, भगवद गीता को, और भगवद गीता में कहा गया है कि आप कर्म करो फल की इच्छा मत। और इसी तरह से मैं इसी एग्जाम्पल को जो मेरे रोल मॉडल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही इसलिए मैं मानता हूँ कि वो हमेशा कर्म करते रहते हैं, और कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से इसकी सफलताएं हमें मिलती हैं, और ये सफलता ही निश्चित रूप से हमें सबको दिख रही है। तो मैं सभी को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कर्म करें, यह ना देखें कि आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, या भूल जाइए, बस आप अपना कर्म करके भूल जाइए, जो होना है ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, उसका फल हमेशा सकारात्मक ही होगा। पर कर्म करना कभी भी आप बंद ना करें, क्योंकि कर्म ही आपको आगे बढ़ाता है। धन्यवाद बहुत बहुत। दोस्तों आज हमने जाना डॉक्टर समीर कुमार व्यास की जिंदगी की इस खूबसूरत जर्नी के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।